हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको टेस्टी कद्दू की सब्जी बनाना सिखा रही हूँ, जो पूड़ी के साथ सर्व होती है। ये देखें, यहाँ मैंने एक कद्दू लिया है मीडियम साइज़ का, उसे धो के वॉश करके मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और एक मीडियम चॉप करी हुई टमाटर, प्याज और मेथी दाना लिया है मैंने। तेल को आप मस्टर्ड ऑयल में बनाइए तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, 2-3 टेबल स्पून तेल को मैंने गरम कर लिया है। जब रॉ स्मेल निकल जाए तेल की, तो मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ चॉप की हुई अनियन को मैंने फ्राई करने के लिए डाला है, और अब मैं इसको अनियन को फ्राई कर रही हूँ इतना कि ये पिंकिश हो जाए। ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है इसको, हमको बस पिंक होने तक इसको फ्राई करना है। ये देखिए, अब मैंने अनियन को जब फ्राई कर लिया है, तो अब मैं इसके अंदर चॉप्ड टमाटोज ऐड करूंगी, और एक ये रेड चिलीज जो हैं इनको तोड़ के मैं डालूंगी। रेड सूखी हुई चिली है, इसको मैं डाल चुकी हूँ और इसको भी फ्राई करूंगी। और 1 टीस्पून मैं मेथी दाना डाला है इसके अंदर, इसको भी मैं फ्राई करूंगी। और ये 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है, खड़ा ज़ीरा डाला है, या आप शाह ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ चॉप टमाटो डाला है, और सबको अच्छे से मैंने मिक्स करा है और थोड़ा फ्राई होने की तक भूनने दिया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग डालिए टेस्ट के। मैं यहाँ कम हल्की मिर्चें खाती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम रखा है, और थोड़ा सा पानी ऐड करा है ताकि मसाला जल ना जाए। और अब मैं इसको भुनने के लिए थोड़ी देर रखूँगी। अब देखिए, आप मसाले को इतना भूनिए कि तेल निकल जाए सरफेस पे, और ये देखिए तेल निकलने लग गया है। थोड़ा चम्मच आप हल्के हल्के टमाटोज में मार दीजिए ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। अब आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहीं पे मैंने इसमें नमक डाला है। अब नमक को भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, मैं बाद में नहीं डालती, साथ में ही डालती हूँ, क्योंकि फिर ये अच्छी तरह सब सब्ज़ी में मिक्स हो जाता है, नहीं तो ऊपर से अच्छी तरह सब्ज़ी में मिक्स नहीं होता है नमक। और ये जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ कद्दू की, इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ। इसे आप पूरी के साथ सर्व करिए, जैसे स्टेशन में मिलता है ऐसी ये कद्दू की सब्जी है। मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ आलू भी डाल रखे हैं, उनको भी मैंने कट कर रखा है कद्दू के साथ ही। ये देखिए, अब मैंने वॉश किया हुआ कद्दू को ऐड कर दिया है कढ़ाई के अंदर, और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। यहाँ मैंने पैन चेंज कर दिया है क्योंकि मेरी सब्जी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो कढ़ाई में अच्छी तरह नहीं आ रही थी, मैंने बड़े पैन में इसको डाला है। और इसे अब अच्छे से मिक्स करके मैंने थोड़ा ढक्कन ढक के रख दिया है थोड़ा, ताकि और ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है, कद्दू खुद पानी छोड़ता है, इसमें आप ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बीच बीच में इसको खोल के ढक्कन को आप चम्मच चलाते रहिए, देखते रहिए कि अब कितना आपको पानी इसमें रह गया है, उसी अकॉर्डिंग आप जलाते रहिए। और ये देखिए, मैंने खटाई पिसी हुई ली है, आप इसमें थोड़ा सा ये खटाई डालिए, इससे भी टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है कद्दू की सब्ज़ी का। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये गुड़ ले रखा है, इसको भी मैंने कद्दू की सब्ज़ी में ऐड कर दिया है, इससे खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, सुबह नाश्ते में या आप टिफ़िन वगैरह में दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है इससे टेस्ट। अब मैं इसको इतना मिक्स कर दूंगी कि ये जो गुड़ है इसी के अंदर अच्छे से पूरा गल जाएगा और मिक्स हो जाएगा। एंड में मैं यहाँ गरम मसाला डालती हूँ थोड़ा सा, और गरम मसाला एंड में डालने से इसके अंदर उस खुशबू बनी रहती है सब्ज़ी के अंदर। और लास्ट में मैं यहाँ चॉप्ड किया हुआ धनिया पत्ता से इसको सजाती हूँ, और इससे देखिए सब्ज़ी बिल्कुल एकदम कलरफुल हो गई है। अगर आपको मेरी सब्ज़ी ये पसंद आई है, मेरी रेसिपीज पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी ये चैनल में और नई नई इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग, हैव अ ग्रेट डे।